हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। मैं ममता वोकैब के तीसरे सेशन के साथ। तो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है फ्लैग। फ्लैग मीन्स होता है थकान, या वी कैन से टायर। वैसे हम फ्लैग को वर्ड को यूज उसके लिए, झंडे के लिए करते हैं, लेकिन फ्लैग का एक और मीनिंग होता है टायर। टायर्ड मीन्स थकान। फ्लैग वर्ड के सिनोनिम्स वर्ड्स हैं वीकन, फॉल्टर, और एंटोनिम्स है रिवाइव, यानी कि जब हम थकान से को ख़त्म करने के लिए रिवाइव करते हैं। सेंटेंस, इफ़ यू बिगिन टू फ्लैग देयर इज़ एन एक्सीलेंट कैफे टू रिवाइव यू, कि जब फ्लैग महसूस करते हो तो उसको रिवाइव करने के लिए एक एक्सीलेंट कैफे है। नेक्स्ट वर्ड है जाइगेंटिक। जाइगेंटिक मीन्स होता है बड़ा या विशाल, या वी कैन से लार्ज या ह्यूज। अगर कुछ चीज़ जो साइज में बहुत बड़ी है, लार्ज है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं जाइगेंटिक। मीन्स बहुत बड़ा या भारी भरकम, जिसका आकार बहुत बड़ा हो, दीर्घाकार या विशाल। जाइगेंटिक वर्ड के सिनोनिम्स हैं जाइगेंट, स्पेसियस, इनॉर्मस। जैसे कि कुछ चीज़ें साइज़ में बहुत बड़ी होती हैं, जैसे कि अगर किसी कंट्री का साइज़ बहुत बड़ा है तो वी कैन से कि जाइगेंटिक साइज है। या जैसे ये एग्जांपल देखें, इंडिया में फेसिस ए ह्यूज चैलेंजेस ड्यू टू हेल्थ क्राइसिस बिकॉज ऑफ इट्स जाइगेंटिक साइज एंड ए लॉट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स। यानी कि इसका जो जाइगेंटिक साइज है वो एक मेन प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेन चैलेंज, मेन एक प्रॉब्लम है हेल्थ क्राइसिस के लिए। जाइगेंटिक साइज, जाइगेंटिक मीन्स ह्यूज, लार्ज, विशाल काय। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है फोमेंट। फोमेंट मीन्स होता है भड़काना, किसी को किसी के लिए उकसाना, उत्तेजित करना। जैसे विलेंट सेंटीमेंट, जैसे जो कई बार ये जो दंगे वगैरह होते हैं तो उनके लिए जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो आम पब्लिक को फोमेंट करते हैं, वो उनको भड़काते हैं, उनको वायलेंस क्रिएट करने के लिए उकसाते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है फोमेंट। जैसे देयर आर अ पॉलिटिकल पार्टीज बिहाइंड फोमेंटिंग द दिल्ली रियोट्स, जो दिल्ली में रियोट्स हुए थे उनको, उनके पीछे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका हाथ था, मतलब उन्होंने जो आम पब्लिक है उनको फोमेंट किया था, उनको भड़काया था वायलेंस करने के लिए। फोमेंट वर्ड को हम एक जगह यूज भी करते हैं, जो वार्म वाटर से हम किसी को, मतलब वो करते हैं, बाथिंग करते हैं, जैसे किसी को वो लोशन के लिए, मतलब पेन को कम करने के लिए हॉट वाटर के साथ बातें करते हैं, तो ये मेडिशिएट करते हैं, तो उसके लिए भी वर्ड फोमेंट वर्ड यूज़ किया जाता है। लेकिन वैसे फोमेंट का मीन होता है वायलेंट करना, किसी को भड़काना, वायलेंट के लिए किसी को उत्तेजित करना या उकसाना। ट्राई टू स्टायर अप, स्टायर अप एक मेन होता है फोमेंट के लिए, स्टायर अप करना किसी को, पब्लिक को, किसी एक ओपिनियन के लिए, पब्लिक ओपिनियन के लिए स्टायर अप करना। फोमेंट के सिनोनिम्स वर्ड्स हैं इंस्टिगेट और स्टायर अप। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है इनजेन्यूटी। इनजेन्यूटी मीन्स होता है किसी काम को सिंपली वे में करना, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स वर्क है उसको, मतलब अपनी एबिलिटी से उसको क्लेवर तरीके से करना, उसको सिंपली वे में कन्वर्ट करना इनजेन्यूटी होता है। मतलब उसको अपनी इंटेलिजेंसी से, अपनी सगेसियसनेस से उसको इजीली वे में कन्वर्ट करना, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है इनजेन्यूटी, या वी कैन से सिंप्लिसिटी, इनजेन्यू, द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लेवर एंड ओरिजिनल। ओरिजिनली सेम उसी वर्क को सिंपल वे में करना, वो कोई वर्क है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर है उसको वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स वे में है, तो उसको इजीली वे में कन्वर्ट करना, किसी सॉफ्टवेयर को इजीली, कोई मतलब सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम कोई वर्क करते हैं और वो वर्क बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस वर्क में, तो उसको सिंपली में कन्वर्ट करना, उसको इजीली कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंजेन्यूटी। द प्रॉब्लम्स टेस्टेड द इंजेन्यूटी इज इवन द मोस्ट इमेजिनेटिव स्टूडेंट्स। इंजेन्यूटी के सिनोनिम्स वर्ड्स हैं सिंप्लिसिटी, इंजेन्यू, टैक्टिक, क्लेवरनेस, क्लेवरनेस लेके आना वर्क के अंदर, सिंप्लिसिटी लेके आना, इन्वेंटिवनेस।
ओके नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिक. टॉक्सिक मीन्स होता है विषैला या विषयुक्त या वी कैन से टॉक्सिन स्पेटिकल. जैसे टॉक्सिक के सिनोनिम्स वर्ड्स हैं स्पेटिकल एकोंटिक टॉक्सिन व्यूरुलेंट. यानी कि अगर किसी चीज में जहर होता है तो उसको उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं टॉक्सिक पोजनेशियस. एग्जाम्पल जैसे सी सफर्ड ए मैसिव एक्सपोजर ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स. यानी कि जो केमिकल्स हैं वो टॉक्सिक हैं, वो विषैले हैं, उनके अंदर टॉक्सिन है. जैसे अगर किसी ड्रिंक में पोजन होता है तो उसके लिए हम उसको हम बोल सकते हैं कि इट्स अ टॉक्सिक ड्रिंक, ये विषैली ड्रिंक है, मतलब इसके अंदर पोजन है. ओके तो ये थी आज की हमारी वीडियो. आई होप आपको पसंद आई होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो.